दोस्तों, अगर आप भी रविचंद्रन अश्विन और उमेश यादव को खतरनाक गेंदबाज मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, उमेश यादव और रविचंद्रन अश्विन की शानदार गेंदबाजी को देखकर खुश हुए ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज। जी हां दोस्तों, रविचंद्रन अश्विन और उमेश यादव की धारदार गेंदबाजी के सामने बांग्लादेश की टीम नतमस्तक होती हुई दिखाई दी। दोनों की खतरनाक गेंदबाजी को देख ऑस्ट्रेलियाई दिग्गजों का बयान सामने आया। ऑस्ट्रेलियाई दिग्गजों ने बयान देते हुए कुछ ऐसी बातें कही हैं जिसको सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो आखिरकार रविचंद्रन अश्विन और उमेश यादव की गेंदबाजी को देखकर ऑस्ट्रेलियाई दिग्गजों ने क्या बयान जारी किया, जानने के लिए पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि रविचंद्रन अश्विन, जयदेव उनादकट, उमेश यादव और जसप्रीत बुमराह में कौन खतरनाक गेंदबाज है? इस बात का जवाब नीचे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच दूसरा टेस्ट मुकाबला मीरपुर के शेरे बांग्ला स्टेडियम में खेला गया और इस मुकाबले में टॉस हारकर भारतीय टीम पहले गेंदबाजी करने के लिए आई और विरोधी टीम को मात्र 227 रन के स्कोर पर ऑल आउट कर दिया, जिसमें बांग्लादेश की तरफ से मामूनुल ने सर्वाधिक 84 रन की पारी खेली। और दूसरी तरफ से गेंदबाजी की बात की जाए तो गेंदबाजी में रविचंद्रन अश्विन और उमेश यादव ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 4-4 विकेट हासिल किए और जयदेव उनादकट ने 2 विकेट हासिल किए। और इस मुकाबले में भारतीय टीम की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए केएल राहुल और शुभमन गिल मैदान पर आए, जहां पर 19 रन भारतीय टीम ने बिना विकेट खोए दिन के अंत तक बना लिए, जिसमें राहुल ने 3 और शुभमन गिल 14 रन बनाकर नाबाद रहे। और इसी बीच रविचंद्रन अश्विन और उमेश यादव की खतरनाक गेंदबाजी को देखते हुए ऑस्ट्रेलियाई दिग्गजों का बयान सामने आया, जिसमें रिकी पॉन्टिंग ने बयान देते हुए कहा कि इस मुकाबले में उमेश यादव ने शानदार गेंदबाजी करते हुए सभी को हैरान कर दिया और दिखा दिया कि उन्हें टेस्ट बॉलर के रूप में ही टीम में ना खिलाया जाए बल्कि उनको आगे भी मौके दिए जाएं। और इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि उमेश यादव ने अपनी गेंदबाजी के दौरान सभी गेंद इतनी सटीक डाली है जिसके सामने बांग्लादेश के बल्लेबाज नतमस्तक होते हुए दिखाई दिए और सभी बल्लेबाज उमेश यादव की गेंदबाजी से बचने की कोशिश करने लगे, लेकिन जिस अंदाज से उमेश यादव ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट हासिल किए वो वास्तव में काबिले तारीफ है। और इसके अलावा ब्रेटली ने बयान देते हुए कहा कि इस मुकाबले में रविचंद्रन अश्विन ने शानदार गेंदबाजी करते हुए सभी को हैरान कर दिया और बता दिया कि रविचंद्रन अश्विन से बेहतर गेंदबाज कोई भी नहीं है। हालांकि कुलदीप यादव को बाहर बैठाने पर टीम में काफी विवाद हो गया और रविचंद्रन अश्विन को बाहर करने की मांग उठने लगी। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि रविचंद्रन अश्विन ने इस मुकाबले में बेहतर प्रदर्शन करते हुए दिखा दिया कि कुलदीप यादव को आप बाहर बैठा सकते हैं लेकिन मुझे भारतीय टीम से बाहर का रास्ता दिखाना गलत साबित होगा और उन्होंने टेस्ट में अपनी गेंदबाजी दिखाई है। इसके अलावा एडम गिलक्रिस्ट ने बयान देते हुए कहा है कि रविचंद्रन अश्विन ने इस मुकाबले में शानदार गेंदबाजी करते हुए दिखा दिया कि कुलदीप यादव को टीम से बाहर कर सकते हैं लेकिन मेरे जैसे ऑलराउंडर को बाहर करना आपके लिए काफी ज्यादा मुश्किल साबित हो सकता है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि रविचंद्रन अश्विन तो शानदार गेंदबाजी करते ही रहे हैं और साथ ही साथ उमेश यादव ने 4 विकेट लेकर विरोधी टीम के होश उड़ा दिए और दिखा दिया कि उमेश यादव से बेहतर गेंदबाज इस समय टेस्ट टीम में कोई भी नहीं है और उनकी खतरनाक गेंदबाजी से विरोधी टीम भी नतमस्तक होती हुई दिखाई दे रही है। तो दोस्तों, इन दोनों की गेंदबाजी को आप 10 में से कितने नंबर देंगे, इस बात का जवाब नीचे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।